Good morning students, how are you? I hope you all will be fine. And now today we are going to study about measuring temperature. This is the part 2nd of chapter 4, science class 7. The name of the chapter heat. Heat ka matlab hota hai ushma. Thik? And in previous class we had already studied about hot and cold objects and activity 4.1 where the three containers jisme वाटर फिल किया था हमने, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी और एक में मिक्स अप वाटर को हमने ऐड किया था. फिर हमने टच करके एक रिलायबल टेम्परेचर के बारे में हमने जाना था कि क्या वाकई में हमारा टचिंग सेंस एक रिलायबल है किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. ठीक है, तो वहां पर फाइनली ये समझ में आया कि हमारा टचिंग सेंस रिलायबल नहीं है. तो फिर क्या किया जाए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो हमने थर्मामीटर के बारे में जाना. ठीक है, आज उसी थर्मामीटर की हेल्प से हम ये देखेंगे कि मेजरिंग टेम्परेचर कैसे होता है. इसके बाद रीडिंग अ थर्मामीटर, देन व्हेन वी रीड द थर्मामीटर वी हैव सम प्रिकॉशंस लाइक रीडिंग सॉरी प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं. ठीक है, उसकी एक अलग स्पेसिफिकेशन होती है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. देखिए यहाँ पर मेजरिंग टेम्परेचर में क्या लिखा है, आपकी बुक पेज नंबर 36 पे देखेंगे आप. ठीक है, नाउ हैव यू सीन अ थर्मामीटर, रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर. द थर्मामीटर दैट मेजर्ड अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर. ठीक है, इन्होंने बोला कि जब कभी आप बीमार पड़े, आपको बुखार आया या आपकी फैमिली में किसी को बुखार आया, ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या किया, थर्मामीटर लगाया उसको. ठीक है, तो जिस थर्मामीटर का डॉक्टर यूज करते हैं हमारी बीमारी के बारे में जानने, सॉरी हमारे बुखार के तापमान के बारे में जानने के लिए, फीवर के तापमान के बारे में जानने के लिए, उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं. ठीक है, होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली. इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू. अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2. उस फिगर को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि फिगर 4.2 में जो आपको थर्मामीटर दिखाया गया आपकी बुक में, वो क्लिनिकल थर्मामीटर है. उसको क्लियरली केयरफुली एग्जामिन करने के लिए कहा जा रहा है आपसे. ठीक है, यदि आपके पास नहीं हो तो आप किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं. देखिए इस थर्मामीटर की स्पेसिफिकेशंस क्या लिखी हैं कि अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. कि यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का मतलब ऊपर से नीचे तक एक ही ग्लास ट्यूब से बना हुआ है, लॉन्ग होता है और नीचे से नैरो होता है यानी सकरा होता है. नाउ इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, इसकी एक एंड में एक बल्ब होता है. नाउ दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, उस बल्ब में मरकरी होता है बेटा, मरकरी पारा को बोलते हैं. ठीक है, नाउ आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन. ठीक है, यदि हम बल्ब के आउटसाइड पर देखें तो एक थ्रेड जैसे दिखती है मरकरी की, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर है. नाउ इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट. इन्होंने बोला कि यदि आपको मरकरी नहीं दिखाई दे रही तो आप थर्मामीटर को थोड़ा रोटेट करें, थोड़ा घुमाएं, जब तक आपको वो थ्रेड दिखाई ना देने लगे. यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर, द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय डिग्री सी, या सी डिग्री से बोलते हैं, सेल्सियस बोलते हैं, कि उसको हम सेल्सियस से डिनोट करते हैं जो स्केल थर्मामीटर में होता है. ठीक है, जिससे हम मेजरमेंट करते हैं वो सेल्सियस में मेजरमेंट किया जाता है. चलिए, नाउ बूजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड. पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज द एडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल. द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज द फारेनहाइट स्केल, इट वॉज इन यूज एयरलियर. ठीक है, अब इन्होंने बोला कि हमारे इंडिया में जो थर्मामीटर को रीड करने की जो प्रोसेस एडॉप्ट की गई है वो सेल्सियस है. ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया कि इसको हम फारेनहाइट से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पहले यूज किया जाता था. फारेनहाइट का जो मापक होता है बेटा वो 94 से 108 फारेनहाइट तक होता है. एंड
क्लिनिकल थर्मामीटर में हम देखें कि कहां से कहां तक इस थर्मामीटर की रीडिंग्स होती हैं, तो लिखा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यदि हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका रेंज बेटा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर में जब रीड करते हैं तो ये माना जाता है बेटा कि एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से लेस नहीं हो सकता एंड 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता। दोनों ही कंडीशन में इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। इसीलिए जो थर्मामीटर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के रेंज तक होता है। नाउ आप अपनी बुक के पेज नंबर 36 पर ही देखेंगे एक्टिविटी 4.2 है जिस पर लिखा है कि रीडिंग आ थर्मामीटर की, थर्मामीटर को रीड कैसे किया जाता है, ठीक। लिखा कि लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन शोन बाई स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देर आर 5 डिविजन बिटवीन देम, देन वन स्मॉल डिविजन कैन रीड 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। चलिए मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं कि इन्होंने लिखा कि थर्मामीटर को रीड कैसे किया जाता है। मान के चलिए कि थर्मामीटर है बेटा, ठीक है, ये थर्मामीटर है, ठीक है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, ठीक है, ऐसे लाइंस बनी है, ये 35 डिग्री 36 डिग्री 37 डिग्री 38 डिग्री, ऐसे करते करते यहां पर थर्मामीटर 42 डिग्री तक जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर। सपोज करें कि इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 लाइंस है टोटल इंक्लूडिंग, ठीक है, ये 5 लाइंस है। तो उन्होंने बोला कि यदि किसी का टेम्परेचर यहां पर आ रहा है मान के चलिए तो हम उसको रीड कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। उन्होंने यही बोला कि यहां पर यदि टेम्परेचर पारा आ रहा है मरकरी तो उसको रीड कैसे किया जाएगा। तो देखिए आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, 1 है, करेक्ट। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है और डिवीजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 डिवीजन हैं, ठीक है। तो हम एक लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, यदि हम देखें इसको 1/5, ठीक है, 1/5 करते हैं तो इसको इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2, यानी एक लाइन का जो मेजरमेंट होता है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहां पर कितनी लाइन पर है, 1, 2, 3 लाइन पर है, तो यहां का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 35.123 और एक का है 0.2 यानी 3 का 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो यहां की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 35.6 डिग्री सेल्सियस यहां की रीडिंग होगी। तो थर्मामीटर को ऐसे रीड किया जाता है। नाउ वॉज द थर्मामीटर प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर द टंग। यदि आप थर्मामीटर यूज कर रहे हैं इन्होंने बोला, तो सबसे पहले आप थर्मामीटर को क्या करें बेटा, एंटीसेप्टिक से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस उसको वॉश करना जरूरी है, क्योंकि कितने सारे लोगों को थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, तो सबसे पहले उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना जरूरी है। और हमको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो पारा है, जो मरकरी है, वो बल्ब में आया है कि नहीं। इन केस यदि वो बल्ब में नहीं आया है तो आपको जर्क देना पड़ेगा। ऐसे आपने देखा होगा डॉक्टरों को जर्क देते हैं थर्मामीटर को, तो जब वो जर्क आप देंगे तो जो पारा है, जो मरकरी है, वो बल्ब में आ जाएगा, फिर उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट। देखिए यहां पर लिखा है कि नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। अब आपने टंग के अंडर में उसको प्लेस करें। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को बाहर निकालें और उसकी रीडिंग नोट करें। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप देखेंगे कितना आया, जितना भी मेजरमेंट आया होगा वो आपके बॉडी का टेम्परेचर होगा, और बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेल्सियस से लिखा जाता है, इसकी यूनिट्स कहलाती हैं। नाउ व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, क्या रिकॉर्ड आया बॉडी टेम्परेचर का, वो आपको मेजर करना है, आपको नोट करना है। नाउ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, नोट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। क्या कहा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के
आसपास होता है, थोड़ा बहुत इधर ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये एवरेज ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, बहुत सारे ह्यूमन स्वस्थ व्यक्ति या हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जब मेजर किया गया तो एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस आया। तो इसको हमने क्या मान लिया कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो टेम्परेचर हो सकता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर या उधर हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। फिर उन्होंने बोला कि लेट अस ट्राई टू अश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर, ठीक है। देखिए पहेली के बारे में लिखा है कि पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कि बुक में मेंशन किया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब पहेली ने अपना टेम्परेचर मेजर किया तो उसका एग्जैक्ट 37 नहीं आया, वो थोड़ी सी चिंता हुई। तो उन्होंने बोला कि लेट अस ट्राई टू अश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर, हम उसको अश्योर करते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है। लिखा कि मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एटलीस्ट 10 विथ अ क्लिनिकल थर्मामीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2, ठीक है। टेबल 4.2 में इन्होंने बोला है कि आप कुछ फ्रेंड्स के बॉडी टेम्परेचर को मेजर कीजिए, ठीक है, और उनको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या रिकॉर्ड्स आते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो होगा प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो मैं आपको यहां पर एक इमेज दिखा रहा हूं, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं यहां पर बताता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा, ठीक है। इसे पहला पॉइंट लिखा है कि टेम्परेचर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। कि यदि आप थर्मामीटर यूज करते हैं तो यूज करने से पहले और यूज करने के बाद उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करें। नाउ इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप ये इंश्योर कर लें कि जब आप यूज करें तो थर्मामीटर का जो मर्करी है वो 35 डिग्री से बिलो होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट फिगर 4.3। अब एक फिगर में दिख रहा है आपको इसमें कि एक लड़की जो है थर्मामीटर को रीड कैसे कर रही है, ठीक है। तो थर्मामीटर कभी भी आप रीड करें तो थर्मामीटर आपकी आंखों के जस्ट सामने होना चाहिए, तभी आप रीड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। कि हैंडल को आप बहुत केयरफुली पकड़ें, यदि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराता है तो टूट भी सकता है। एंड नाउ द लास्ट, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, ठीक है। इन्होंने बोला कि कभी भी जब थर्मामीटर आप रीड करें तो उसके बल्ब को कभी भी आप होल्ड ना करें। लिखा कि डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब, कि बल्ब के साइड से कभी भी आप उसको होल्ड ना करें। तो बेटा ये तो था प्रिकॉशंस, ठीक है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो होंगे कॉशंस एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर्स, ठीक है। तो मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उसके बारे में। थैंक यू सो मच।